दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंडो एंग्लियन राइटर तोरु दत्त की लिखी हुई एक पोएम अ कैजुरीना ट्री। दोस्तों ये बहुत ही फेमस पोएम है, तोरु दत्त भी बहुत फेमस हैं। तोरु दत्त ने दोस्तों इस पोएम को लिखा था जब वो अब्रॉड में थी, फ्रांस या इटली में, तब लिखा था। वो अपने चाइल्डहुड के बारे में इस पोएम में बताती हैं, बहुत हद तक ये ऑटोबायोग्राफिकल टोन में लिखी गई है। और दोस्तों इसके अलावा इसको हम एक ओड भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक ट्री को, कैजुरीना ट्री को ग्लोरीफाई किया है तोरु दत्त ने। दोस्तों तोरु दत्त को बहुत हद तक जॉन कीट्स, जो ब्रिटिश लेट रोमांटिक पोएट थे, जॉन कीट्स, उनके साथ कंपेयर किया जाता है क्योंकि उन्हीं की स्टाइल में ये लिखा करती थी बहुत हद तक। और दूसरा दोस्तों इनकी भी प्री मेच्योर डेथ हो गई थी जॉन कीट्स की तरह, बल्कि जॉन कीट्स से भी कम उम्र में ये गुजर गई थी, 21 साल की उम्र में। जॉन कीट्स की 24-25 साल की उम्र में डेथ हुई थी। इतनी कम उम्र होने के बावजूद, प्री मेच्योर डेथ होने के बावजूद दोस्तों इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस जैसे फ्रेंच, संस्कृत, बंगाली और इंग्लिश, सब लैंग्वेजेस का ज्ञान एक तरह से प्राप्त कर रखा था। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। अवर कैजुरीना ट्री, हमारा कैजुरीना ट्री। कैजुरीना दोस्तों एक ऐसा पेड़ होता है जो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा उगता है, यानी कि एक ऑस्ट्रेलियन ट्री है जो बहुत जल्दी बढ़ता है और इसकी टहनियाँ आपस में जुड़ी रहती है जिससे ये घोड़े की पूँछ की तरह लगता है। जिस टाइप का पेड़ होता है ये, तो ये पोएम के अंदर तोरु दत्त ने उस कैजुरीना ट्री की तारीफ़ की है। जब वो अपनी खिड़की से बाहर देखती है तो ये ट्री उनको एक सुकून सा देता है, वो अपने बचपन के दिनों को याद करती है जो उस पेड़ के नीचे उन्होंने बिताए थे, तोरु दत्त ने अपने भाई बहनों के साथ, अपने सिबलिंग्स और दोस्तों के साथ में। तो ये पेड़ उनको सुकून देता है। ये एक ओड की फॉर्म में लिखी हुई पोएम है, इसमें 5 स्टैंजा हैं। तो दोस्तों बहुत लंबी पोएम है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो इस पोएम की शुरुआत करती है तोरु दत्त, लाइक अ ह्यूज पायथन, एक बड़े से अजगर की तरह। पायथन का मतलब एक अजगर टाइप का, एक बड़े से अजगर की तरह। वाइंडिंग राउंड एंड राउंड, एक बेल गोल गोल लिपटी हुई है। द रग्ड ट्रंक, एक भद्दे से ट्रंक पर, यानी कि एक पेड़ के तने पर, एक भद्दे से तने पर। रग्ड का मतलब भद्दे से और ट्रंक का मतलब तना। इंडेंटेड डीप विथ स्कार्स, मतलब वो जो बेल अजगर की तरह लिपटी हुई है उस पेड़ पर, उससे क्या है कि डीप निशान पड़ गए हैं उस पेड़ पर। अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स, इस लाइन का मतलब है कि वो बेल जो वो इस पेड़ के ऊपर तक जाती है, टॉप तक, स्टार्स तक, तारों तक उसकी ऊंचाई है। क्रीपर क्लाइम, यानी कि वो बेल, क्रीपर का मतलब होता है बेल, वो बेल चढ़ती है। इन हूज एम्ब्रेस इज बाउंड No other tree could live. इस लाइन का मतलब है कि अगर इस क्रीपर ने किसी और पेड़ को इस तरह से जकड़ा होता तो शायद वो पेड़ जिंदा नहीं रह पाता। But gallantly, लेकिन इस पेड़ की हिम्मत तो देखो। The giant wears the scarf. ये एक giant की तरह, इस पेड़ को एक giant कहा है दोस्तों, एक बहुत बड़ा, इसके साइज को बताने के लिए कहा है कि इस giant ने, इस पेड़ ने उस बेल को एक स्कार्फ की तरह पहन लिया है। एंड फ्लावर्स आर हंग इन क्रिम्सन क्लस्टर ऑल द बोज अमांग, और फ्लावर्स गहरे लाल क्लस्टर्स में, क्लस्टर्स का मतलब झुंड में, सभी टहनियों पर लटके हुए हैं। वेयर ऑन ऑल डे आर गैदर्ड बर्ड एंड बी, जहां पर उस पेड़ पर पूरा दिन, ऑल डे, बर्ड्स और मधुमक्खियां इकट्ठी होती हैं। And oft at night, the garden overflows with one sweet song. और रातों में अक्सर वो garden sweet song से overflow होने लगता है। That seems to have no close. और ऐसा लगता है ये song जो है कभी ख़त्म नहीं होगा। Sung darkling from our tree, while man repose. इस line का मतलब है कि जब लोग सोते हैं, while man repose, तब अंधेरे में ये सॉन्ग हमारे पेड़ से आता है, हमारे ट्री से आता है। आई होप आपको फर्स्ट स्टैंजा समझ में आया होगा। दूसरे स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। आगे पार्टिस लिखती है, व्हेन फर्स्ट माय केसमेंट इज वाइड ओपन थ्रोन, कि सुबह जब मेरी खिड़की पहली बार खुलती है तो रोज, एट डॉन, सुबह माय आईज डिलाइटेड ऑन इट रेस्ट, मेरी आँखें इस डिलाइटेड ट्री पर रुक जाती है जिसे देख कर मुझे सुकून मिलता है। Sometimes, कभी-कभी, and most in winters, सर्दियों में, ज़्यादातर सर्दियों में, on its crest, यानी इसके ऊपर, इस पेड़ के ऊपर, सबसे ऊपर, crest का मतलब सबसे ऊंचाई पे,
ग्रे बबून सेट स्टैचू लाइक अलोन, ऊपर की तरफ एक ग्रे कलर का बबून आकर एक स्टैचू की तरह बैठ जाता है। बबून एक टाइप का बंदर जैसा दिखने वाला जानवर होता है, वॉचिंग द सन राइज और सूरज को उगते हुए देखता है। वाइल ऑन लोअर बोज और नीचे की तरफ जो टहनियाँ हैं उन पर हिज प्यूनी ऑफ स्प्रिंग लीप्स अबाउट एंड प्ले, यानी कि नीचे की टहनियों पर उसके प्यूनी यानी कि छोटे बच्चे ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग का मतलब बच्चे, उछलते खेलते रहते हैं। लीप अबाउट एंड प्ले का मतलब उछलते कूदते रहते हैं। एंड फार एंड नियर कोकिलाज हिल द डे, और कोयल हर जगह पर इस नए दिन को वेलकम करती है। हिल का मतलब वेलकम करना। एंड टू देयर पास्चर्स वैंड अवर स्लीपी काउज, और हमारी गायें जो काउज हैं वो नींदों में अपने पास्चर्स की तरफ जाती है, यानी कि चारागाह की तरफ जाती है चरने के लिए। एंड इन द शैडो ऑन द ब्रॉड टैंक कास्ट, इसका मतलब है कि उस पेड़ की शैडो इतनी बड़ी है कि उसकी छाया बड़े से वाटर टैंक पर पड़ रही है। बाय दैट हॉर ट्री, जो कि उस पुराने से पेड़ के पास में है। सो ब्यूटिफुल एंड वास्ट द वाटर लिली स्प्रिंग लाइक स्नो इन मस्ट, मतलब इस ट्री के पास में इतना बड़ा और ब्यूटिफुल बर्फ की ढेर की तरह वाटर लिली का भी ढेर है। एंड मस्ट का मतलब है ढेर। अब इस ट्री को इतना खूबसूरत तरीके से डिस्क्राइब करने के बाद पोएट्रेस बोलती हैं, बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिकेंस, डियर इज अ कैजुरीना टू माई सोल, इसका मतलब है कि ऑफकोर्स ये कैजुरीना ट्री बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इतना खूबसूरत होने की वजह से, इसकी इतनी खूबसूरती की वजह से ये मेरे दिल के इतना करीब नहीं है। बेनीथ इट वी हैव प्लेड, बल्कि इसके नीचे हम लोग खेले हैं, मेरा बचपन बीता है इस पेड़ के नीचे। बेनीथ का मतलब नीचे। दो ईयर्स में रूल, हालांकि उस बात को सालों बीत चुके हैं अब। ओ स्वीट कंपेनियंस लव्ड विथ लव इंटेंस, फॉर योर सेक्स शैल द ट्री बी एवर डियर। यहाँ पर पोएट्रेस तरुदत्त अपने फ्रेंड्स से, अपने भाई बहनों से कह रही है, ओ कंपेनियंस, ओ स्वीट कंपेनियंस, कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती थी, इसलिए इस पेड़ से तुम्हारी यादें जुड़ी हुई है, इसलिए मैं इस पेड़ को भी बहुत प्यार करती हूँ, तो हमेशा इस पेड़ के लिए मेरा प्यार बना रहेगा तुम्हारे लिए। स्वीट कंपेनियंस यानी कि मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे दोस्तों। ब्लेंड विथ योर इमेजेस, तुम्हारी इमेजेस जो हैं उसमें घुल मिल गई है जब हम यहाँ पर खेला करते थे। इट शैल अराइज इन मेमोरी, और वो मेमोरी इतनी स्ट्रांग है कि तुम सब यहाँ से इतना दूर हो, किसी दूसरी दुनिया में चले गए हो, फिर भी वो मेमोरी की इमेजेस मेरे दिमाग में है, और तब तक ये इमेजेस मेरे दिमाग में रहेगी टिल इट हॉट टीयर्स ब्लाइंड माई आइज, जब तक मेरे गर्म आंसू मेरी आंखों को ये चीज़ भुलवा नहीं देते। वॉट इज़ दैट डर्ज लाइक मर्मर दैट आई हेयर, कि ये कैसी रोने की सी आवाज़ है। डर्ज लाइक का मतलब रोने की सी आवाज़ है जो धीरे धीरे मुझे सुनाई पड़ रही है। लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन अ शिंगल बीच, ऐसे लग रहा है जैसे एक बीच पर जिधर पत्थर वगैरह पड़े हैं छोटे छोटे कंकर वगैरह, उस पर समुद्र का पानी गिर कर टकरा रहा है। इट इज़ द ट्री लैमेंट, वो पेड़ रो रहा है, एक्चुअली वो पेड़ रो रहा है, वो पेड़ के रोने की आवाज़ है। एन इरी स्पीच, इसका मतलब है कितनी भयानक आवाज़ में रो रहा है, जैसे कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा हो। दैट हैप्पली, जो शायद टू द अननोन लैंड मे रीच, ज़रूर किसी अननोन लैंड में जाएगा, वो अननोन लैंड जहाँ पर पोएट्रेस के दोस्त चले गए हैं। वो पेड़ की जो रोने की सी आवाज़ है, वो पेड़ भी रो रहा है तरुदत्त के कंपेनियंस की डेथ पर। आगे फिर से उस अननोन लैंड की बात करती है तरुदत्त, अननोन कि वो लैंड अननोन है, येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ, लेकिन उसे वो लोग अच्छे से जानते हैं जिनको उस पर विश्वास है। आई हैव हर्ड दैट वील फार फार अवे इन द डिस्टेंट लैंड्स, यहाँ पे पोएट्रेस बोलती हैं कि मैंने इस रोने की आवाज़ को, इस वेल को बहुत दूर दूर तक सुना है। बाय मैनी अ शेल्टर्ड बे व्हेन स्लम्बर्ड इन हिज केव एंड वाटर रेट, बहुत सी जगहों पर किसी दूर दराज के इलाके में ऐसा लगता है जैसे वो पेड़ मुझसे बात कर रहा हो। एंड द वेव्स जेंटली किस द क्लासिक शोर ऑफ फ्रांस एंड इटली, तो वेव्स ने जेंटली, लहरों ने जेंटली
क्लासिक शुगर ऑफ फ्रांस एंड इटली को किस किया। मैं ये लाइनें क्लियर कर देता हूँ थोड़ी सी और, कि जब गुफाओं में, जब केव्स में वाटर रेत शांति छाई हो, तो वेव्स ने, लहरों ने जेंटली फ्रांस और इटली के क्लासिक शोर्स को किस किया। यानी उस वक्त बिल्कुल शांति छाई हुई थी, उस वक्त ज़्यादा शोर शराबा नहीं था, बिल्कुल शांति से वेव्स ने फ्रांस और इटली के शोर्स को किस किया। और बीनीथ द मून, इस मून की लाइट के नीचे, व्हेन अर्थ ले ट्रांस्ड इन अ ड्रीमलेस स्वून, जब इस धरती पर पूरी तरह से शांति छाई हुई थी, तब मैंने उस पेड़ की वो सुनी है। एंड एवरी टाइम द म्यूज़िक रोज, और जब जब वो म्यूज़िक बजता था, एवरी टाइम बिफोर माई इनर विजन रोज अ फॉर्म सबलाइम, तो मेरे इनर विजन, अंतरात्मा के अंदर एक फॉर्म उस म्यूज़िक के साथ उभर कर आता था। दाय फॉर्म ओ ट्री, और वो फॉर्म होती है तुम्हारी, उस ट्री को बोल रही हैं तोरुदत्त यहाँ पर। एज इन माई हैप्पी प्राइम आई सॉ दी, जब मैंने अपने बचपन में, जैसा मैंने अपने बचपन में देखा था तुमको, इन माई ऑन लव्ड नेटिव क्लाइम, यानी कि क्लाइम का मतलब क्लाइमेट, यानी कि मेरा खुद का अपना नेटिव क्लाइमेट, यानी कि इंडिया की बात कर रही है यहाँ पर, बंगाल में जब वो रहती थी, तो उस क्लाइमेट में मैंने जैसा तुमको देखा था, वैसी ही फॉर्म मेरे अंदर उभरती है। दियर फॉर, और इसलिए आई फेन वुड कॉन्सिक्रेट अ ले अन टू दाय ऑनर, मैं, फेन का मतलब खुशी से, और इसलिए मैं खुशी से वुड कॉन्सिक्रेट, तुमको एक तरह से अर्पण करना चाहूँगी एक लिरिक्स, एक लिरिक, ले का मतलब लिरिक, अन टू दाय ऑनर, तुम्हारे सम्मान में, और इसलिए मैं खुशी से तुम्हारे लिए एक पोएट्री या फिर कुछ लिरिक लिखना चाहूँगी। ट्री बिलवड ऑफ दोज, ओ ट्री तुम उनके बिलवड थे, हु नाउ इन ब्लेस्ड स्लीप फॉर ए रिपोज, मतलब कि तुम उनके बिलवड थे, मतलब अपने भाई बहनों की बात कर रही हैं यहाँ पे तरुदत्त, कि उनके बिलवड थे जो अभी ब्लेस्ड स्लीप, यानी कि सो चुके हैं, फॉर ए रिपोज, सदा के लिए सो चुके हैं, ए का मतलब सदा के लिए, रिपोज का मतलब सो चुके हैं। डियरर देन लाइफ टू मी अ लास्ट बर्थडे, कि वो मेरे भाई बहन मेरे लिए मेरी लाइफ से भी ज़्यादा मतलब प्यारे थे। मेस्ट दाओ बी नंबर्ड व्हेन माय डेज आर डन विथ डेथलेस ट्रीज लाइक दोज इन बर्डल। अब दोस्तों यहाँ पर दो लाइनें, इन दो लाइनों का मतलब यह है कि तुम्हें भी, उस ट्री को बोल रही है तरुदत्त, कि शायद तुम्हें भी मेरे मरने के बाद में, तरुदत्त बोलती है कि मेरे जब दिन ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद में तुम्हें भी गिना जाएगा उन डेथलेस ट्रीज के साथ, उन अमर पेड़ों के साथ जो बर्डल में है। दोस्तों यहाँ पर इस पोएम के ज़रिए तरुदत्त इस पेड़ को अमर बना देना चाहती है, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने बर्डल में यू ट्रीज के साथ किया था। यू ट्रीज को पहले कोई जानता भी नहीं था, जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम में उनका जिक्र किया तो वो अमर हो गए, एक तरह से उसको जानने लगे लोग। तो तरुदत्त भी इस पेड़ के साथ में ऐसा ही कुछ करना चाहती है, इस पेड़ को अमर बनाना चाहती हैं अपनी लिरिक के ज़रिए, अपनी पोएम के ज़रिए। अंडर हुज अर्फुल ब्रांचेस लिंगर्ड पेल फियर ट्रेम्बलिंग होप एंड डेथ एंड द स्केलेटन एंड टाइम द शेडो। ये सब चीज़ें जो हैं उन पेड़ों की अर्फुल ब्रांचेस के नीचे काम नहीं करती, मैं तुम्हें वैसा बना देना चाहती हूँ। एंड द वीक द वर्ड्स, हो सकता है मैं जो ये कविता लिख रही हूँ, ये जो पोएम लिख रही हूँ, वो वीक हो, कमज़ोर हो। दैट वुड दाय ब्यूटी फेन ओ फेन रिहर्ट्स मे लव डिफेंड दी फ्रॉम ऑब्लिवियन कर्ट्स। लेकिन जो भी लिख रही हूँ वो दिल से लिख रही हूँ, तुम्हारी ब्यूटी से खुश होकर लिख रही हूँ, और लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए वीक नहीं है। यहाँ पोएट उस ट्री से कह रही है कि मैं दुनिया को तुम्हें भुलाने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरे अपनों की यादें जुड़ी हुई है, तो तुम्हें भूला नहीं जाएगा। ऑब्लिवियन कर्ट्स का मतलब है भुलाने वाला कर्ट्स, उससे मैं तुम्हें डिफेंड करूँगी। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।